हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टाइम्स। आज हम बनाने वाले हैं मटर की एकदम ज़बरदस्त रेसिपी, और ये जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लंच वगैरह में भी दे सकते हैं बच्चों को। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड्स, तो मैंने नॉर्मल ब्रेड्स ले ली है। 4 ब्रेड्स मैंने इसके लिए यूज़ की है। अब हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसमें ये जो ब्रेड्स है इसे तोड़ के डाल देंगे। हमें जो है ब्रेड क्रम बनाना है, यानी कि ब्रेड का जो है पाउडर बनाना है। ब्रेड क्रम एकदम रेडी है, इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। अब लेंगे 1 कटोरी मटर और इसको भी दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। मटर को हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। मटर को हम ब्रेड क्रम में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच शिमला मिर्च, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। दो बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। एक बारीक कटी हरी मिर्च। एक चम्मच ग्रेट किया हुआ जिंजर एंड गार्लिक, दोनों को मैंने सेम क्वांटिटी में यूज़ किया है। आधा चम्मच नमक, या इसे आप स्वाद अनुसार भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसके प्लेस पर चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, आधी कटोरी सूजी, वन थर्ड कटोरी कर्ड यानी कि दही, इससे बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी एंड टेस्ट आएगा। अब इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच तेल डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें और कोई अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, लाइक बीन्स आप ऐड कर सकते हो, कैरेट यूज कर सकते हो इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डलेगा 1 कप पानी। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी मिलाई है ना, तो सूजी को जो है थोड़ी देर सेट होने के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि सूजी जो है वो फूलती है। पाँच मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट है थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, करीब 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डलेगा 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें तुरंत इसको मिक्स कर देना है और इसे बनाने लग जाना है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए तवे पे सबसे पहले थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ी देर हम गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है इसमें हम 1 चम्मच पेस्ट डाल देंगे। और उसको चम्मच की सहायता से फैला देंगे थोड़ा थोड़ा।
इसे हम एकदम लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। तेज फ्लेम रख करेंगे तो ये जो है बहुत ही जल्दी जल जाएगा। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से तेल और राई, थोड़ी देर पकाने के बाद इसे हम किसी झर या पलटी की मदद से पलट देंगे। और इस साइड पर भी तेल और राई डाल देंगे। साइड्स में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे सो दैट ये चिपके नहीं। थोड़ी देर पकने के बाद इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से जो है पक जाएगा। अब इसे पलट कर एक बार चेक कर लेते हैं कि दूसरी साइड से पका है या नहीं। इस साइड से भी इस तरीके से थोड़ा प्रेस कर देंगे और यहाँ से हल्का कच्चा है तो इसको वापस से हम टर्न कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसे किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे और ये एकदम रेडी है। इसी टाइप से हम बाकी पेस्ट का भी बना लेंगे। हमारी आज की रेसिपी एकदम तैयार है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।